हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सिद्धार्थ जल से। कैसे हैं आप सब दोस्तों? लास्ट व्लॉग में आप सबने मेरे को बहुत लाइक करा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे, सबको मैं खुद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों आज मैं न्यू व्लॉग लेके आया हूँ आप सबके सामने, और ये कोई ज्वेलरी का व्लॉग नहीं है और कोई रिलेटेड ऑफर का नहीं है। आज रिलेटेड सिर्फ गोल्ड इन्फॉर्मेशन का है। मैं आज एक आपको गोल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी और बिल्कुल सबूत के साथ देने वाला हूँ। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आज के टाइम में आप सतर्क रहिए, क्योंकि गोल्ड आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, तो उस चीज़ में आपके साथ फेक हो जाता है ना, तो बहुत गलत होता है। तो मुझे भी बुरा लगता है कि कोई अगर ज्वेलर फेक करता है, लेकिन ये फेक क्यों होता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आगे वीडियो बने रहिए, मैं आपको जरूर एक चीज दिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भी न्यूज है, और आप ये शेयर करना तो औरों के लिए भी काम आ सकती है। कि आज एक मेरा कस्टमर था, वीर नाम था, और उसने मेरे को एक अपनी पुरानी चैन दी, जो कि उन्होंने शायद 1 या 1.5 साल पहले परचेज करी होगी, कि ये लाइट वेट में आप मेरी 2 तोले की चैन बना दो, और जो ये 916 की है 916 में आप रिटर्न कर लीजिए। मैंने उसको स्लिप बना के दे दी थी सारी, सब कुछ हो गया था। तो जहां हम गोल्ड मेल्ट करवाते हैं, तो वहां एक मशीन भी लगी है जहां पर गोल्ड, आजकल आप सबको पता होगा गोल्ड ऊपर से चेक हो जाता है, तो मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए गोल्ड वैसे ही चेक करा लिया। और मैं आपको दिखाऊंगा, वो चैन मेरे पास अभी भी है, उस चैन के अंदर आपको मैं सारी स्टैंपिंग दिखाऊंगा, शॉप का भी सब कुछ स्टैंप हो रखा है, 916 हॉलमार्क है। लेकिन आपको मैं मशीन पे भी दिखाऊंगा कि उसके अंदर आप देखना आगे जा करके कि उसकी कितनी परसेंटेज निकली। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो गलत हो रहा है आज के टाइम में, कि बता के कुछ और दे रहे हो कुछ और रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एक कस्टमर को ना एक पॉइंट समझना है और कुछ नहीं समझना। कस्टमर को ये पॉइंट समझना है कि कोई अपनी जेब से दुकानदार सामान नहीं देता। आप आज के टाइम में किसी भी ब्रांड पे चले जाइए, तनिष्क पे चले जाइए या किसी भी ब्रांड पे चले जाइए, वहां पर आपके मेकिंग चार्जेस 20% 18% से कम नहीं है, और विदाउट जीएसटी। विद जीएसटी लेते हो तो आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग पड़ती है। तो नॉर्मली सब लोग 15% और प्लस लेबर अलग लगा लेते हैं, लेकिन आजकल है ना बहुत ज्यादा इस चीज का फंडा चल गया कि वो दुकानदार 8% ले रहा है, वो दुकानदार 6% ले रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कौन दुकानदार क्या ले रहा है। हम इस चीज से मतलब नहीं रखते, हम सिर्फ अपनी क्वालिटी से मतलब रखते हैं कि हम आपको क्या क्वालिटी दे रहे हैं। और अगर हम 916 बोल के दे रहे हैं तो होपफुली वो 916 ही होता है पूरा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारे पास रहती है। और कस्टमर जो है हमारे पास आता है, हमारे से फिर बोल नहीं सकता कि आपने हमें इतना महंगा भी दिया और 916 ही निकला, क्योंकि ऐसा कोई काम जो है ज्वेलर आपसे अगर पूरे पैसे ले रहा है और आप भी दे रहे हो तो कभी फेक नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 7% 6% 8% मेकिंग चार्ज 10% मेकिंग चार्ज के चक्कर में रहते हो कि फलाना दुकानदार इतने दे रहा है और फलाना दुकानदार इतने दे रहा है, तो सीरियसली आपके साथ कहीं ना कहीं वो मिस्टेक हो रही है और आप उस चीज में फंस रहे हो। लेकिन आप क्या करते हो, आपने आज ये मंगलसूत्र आपने परचेस करा, लेकिन आप जब टूटेगा या आपको जरूरत पड़ेगी आप तभी सेल करोगे शॉप पे आकर के, वरना आप सेल नहीं करते, सालों साल सेल नहीं करते। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, कोई दुकानदार के पास उसका 10% सोना साल का एवरेज के हिसाब से सेल होने नहीं आता। तो उस चीज को आप थोड़ा सा समझिए, मैं सिर्फ आपको एक जागरूक कर रहा हूँ कि आप सस्ते के चक्कर में पड़िए। मैं आपको आइए दिखाता हूँ, वीडियो में आगे बने रहिए, कि मशीन पे भी चेक करके दिखाऊंगा विद प्रूफ कि चैन 916 मैं आपको दिखाऊंगा और वो कितने परसेंटेज की निकली है। और मैं आपको एक 916 का अपना आर्टिकल भी दिखाऊंगा, वो भी आप देखना विद प्रूफ। तो दोस्तों वीडियो में देखिए आप आगे तक, और इस वीडियो को ज्यादा जितना हो सके ना उतना शेयर करना, ताकि देखो जिसके साथ फेक हो जाए तो वो बहुत गलत होता है। कोई अपने 2-2 रुपए जोड़ करके बनाता है सामान, और हम भी उस चीज को समझते हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टमर ज्यादातर वैसे आते हैं कि आज 5,000 ले लो, नेक्स्ट मंथ 5,000 दे देंगे, फिर 10,000 दे देंगे, 2,000 दे देंगे। वो अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ बचा के देता है, और वो अपने लिए अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ सामान जोड़ के बनाता है, ताकि वो आगे अपने बच्चों के लिए सेविंग रख सके। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि फेक कहाँ हुआ है। एंड सबसे पहले स्टैंपिंग आप देख सकते हैं, ये 916 कुंडे पे लगी हुई है, और एक ये स्टैंप यहाँ पर है, ये ज्वेलर ने अपनी लगा रखी है। फिलहाल मैं आपको हॉलमार्क भी दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं चैन का दूसरा दूसरा हिस्सा है, आप ये देख सकते हैं, अगर ये आपको दिख रहा होगा 22 कैरेट 916, और ये SSJ कोई ज्वेलर है। ये अगर बिल होता तो हमें पता लग जाता कौन है, बस बिल नहीं था। देखिए आप सारी स्टैंपिंग है, हॉलमार्क सारा है। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये मंगलसूत्र है 916, सारी स्टैंपिंग है इस पर भी, ये भी अपनी स्टैंप लगा रखी है।
लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 916 हॉलमार्क सारी स्टैंपिंग है फ्रेंड्स। आपने देखा दोनों तरफ स्टैंपिंग है और एक तरफ हम अपनी लगाते हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट से पास करा के लगाते हैं, और दोनों में है मंगलसूत्र में भी और चैन में भी। तो मैं आपको मशीन पे दिखाता हूँ आज, जो टेस्टिंग मशीन होती है कि उस पर कितना परसेंट नजर आ रहा है। तो 200 फेक होता है यहाँ पर कि ऊपर फॉर्मिंग का पता लग जाता है कि फॉर्मिंग में आपको दिख जाएगा कि हाँ गोल्ड है, लेकिन अंदर क्या है ये तो आपको मेल्ट होने के बाद पता लगता है, लेकिन इसके अंदर तो हमें वैसे ही पता लग गया है। कई कई चीज़ें ऊपर से ना फॉर्मिंग में सही परसेंटेज दिखाती थी, लेकिन मेल्ट होने के बाद भी इसके अंदर मिक्सिंग होती है जो अंदर नहीं पता होता कि क्या होता है आपको। जैसे मैं चैन का आपको मैं दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ये चैन अलग अलग तरीके से बनी हुई है। आपको आधी चैन में 916 की बना देता हूँ, आधी मैं इसके अंदर 83% का पीस लगा देता हूँ इतना, तो वो मेल्टिंग के बाद ही पता लगेगा, हमें पहले पता नहीं लगता। तो उसके अंदर भी थोड़ा सा फेक हो जाता है, लेकिन अगर आप अगर पूरे पैसे दे रहे हो तो उसके अंदर कोई फेक नहीं होता। तो आइए मैं आपको मशीन पर दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मशीन पर जरूर दिखाऊंगा कि कैसे टेस्टिंग होती है, तो आप देखना मैं दोनों चीज लेके आया हूँ, दोनों चीजों की टेस्टिंग करवाऊंगा। तो आप देखो वीडियो में कैसे टेस्टिंग होती है और कैसे फेक होता है। ये आप देख सकते हैं पूरी ये मशीन है, ये इसको टेस्टिंग होती है, स्कैनिंग होती है, यहाँ से जहाँ से हमने घिसा था वहाँ पे स्कैन कर दिया। अब ये यहाँ देखते हैं, ये स्टार्ट कर दिया है, इसमें कोई गोल्ड पहले करा होगा तो 83% आ रहा था, और अब ये लगाया है तो ये पहले सेकंड्स का चलता है, तो इसके अंदर देखते हैं कितना आता है। और मैं आपको बताया तो ये AU क्या है, ये AU जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं इसके अंदर AU गोल्ड का है कि कितना गोल्ड होता है। AU का मतलब ये होता है प्योरिटी टेबल है, हाँ ये प्योरिटी इसके अंदर देखी जाती है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये जीरो हो जाएगा तो ये इसकी चैन की प्योरिटी दिखा देगा इसके अंदर, और चेंज हो जाएगा आप देखना इसके अंदर चेंज होते नजर आएगा आपको। आप देख सकते हैं 82.8% इसके अंदर गोल्ड बैठा है जो 916 था। मंगलसूत्र दिखाता हूँ, ये मैं खुद ही रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये मंगलसूत्र रख दिया है, स्टार्ट करो, हाँ कर दो भैया स्टार्ट कर दो, कर दो कर दो, ये देखो ये स्टार्ट कर दिया है। इसमें भी आप देखना चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैन वही वाली है जो मैंने आपको बताई थी, हॉलमार्क को रखे जो आप देख सकते हैं इसमें 22 कैरेट 916 है। और आप देख सकते हैं ये सिर्फ अब ये चेंज हो जाएगा, देखो अब ये मंगलसूत्र रखा था 916 हॉलमार्क का जो मैंने आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं 93.22% आ रहा है। और अगर हम इसको अगर थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा सा अगर स्क्रैच और करते तो ये 916 ही पूरा मंगलसूत्र आता, थोड़ा सा फॉर्मिंग में मैंने कहा ना आपको ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी चैन ही 83% है, मेल्ट होने के बाद पता नहीं कितनी बैठेगी कितनी बैठेगी, मेल्ट हम करा सकते हैं क्योंकि ये हमने क्लियर कर दिया है। जो कि मेरा फ्रेंड था वो शॉप पे भी आया था, वीर नाम था उसका, तो उसके साथ क्लियर हो चुकी है सब चीज़ें, कि उनको दिखा भी दिया था, मैं खुद लेके आया था कि आप ये देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सिर्फ ये आपके लिए ही दिखा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से बचो थोड़ा सा। फ्रेंड्स आपने देखा मशीन पे भी देखा आपने कि चैन की जो टेस्टिंग आई है वो 81% के आसपास आई है, और अभी मेल्ट होने के बाद ये और भी नीचे हो सकती है, ऊपर नहीं होगी क्योंकि ये ऊपर फॉर्मिंग तो इतने इसने दे दी, तो अंदर और भी कुछ हो सकता है, तो देखते हैं क्या होगा, ये तो मेल्ट के बाद ही पता लगता है। और ये शुगर है कि मैंने ऊपर से चेक करवा ली थी, बाई चांस है कि मैंने चेक करा ली थी, लेकिन आज के टाइम में आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, आप कहीं भी चेक कराइए, गवर्नमेंट लैब पर जाके टेस्ट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो हैवी चीज़ होती है आप वो जाके चेक कराइए। और आपने मंगलसूत्र भी देखा वो पूरा 916 निकला है, बल्कि ऊपर ये ताकि गवर्नमेंट उसको पास कर सके। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये पास हुआ तो हुआ कैसे, और नंबर दो बात ये सबसे बड़ी बात होती है, ये कस्टमर की बहुत बड़ी गलती होती है कि सर मेरे को वहाँ पर 7% में मिल रहा है, आप भी 7% में लगा के दो, तो ज्वेलर क्या करेगा, वो ये चाहता है कि दो पैसे हमें भी बचे, तो वो क्या करेगा, वो ये सामान दे देगा ये सब। और कस्टमर कहीं कहीं आकर के झूठ भी बोल जाते हैं कि नहीं यहाँ तो वहाँ तो मेरे को 8% मिल रहा है 10% में मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर अच्छा सामान और बढ़िया सामान मिलेगा आपको, मैं तो ये कहूँगा जो अच्छा दुकानदार होगा बढ़िया दुकानदार होगा वो आपको अभी GST बिल भी देगा
और नंबर दो बात, वो आपको एकदम अच्छा सामान देगा, चाहे वो हॉलमार्क का क्यों ना हो, क्योंकि ये हॉलमार्क अभी 2-4-5 सालों से स्टार्ट हुआ है लोकल ज्वेलरी में। और ये जो पहले देते थे, हम लोग भी देते थे, हमारे दादा परदादा देते थे, तो सामान सारा एकदम जेन्युइन देते थे। आज भी वो सामान हमारे रिटर्न आता है और हम खुशी खुशी लेते भी है, ऐसा नहीं है कि हम मना कर देते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा आपको, थोड़ा सतर्क रहिए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, बहुत जरूरी है, आपके बच्चों के काम आएगी, हमारे बच्चों के भी काम आती है, हम भी करते हैं, लेकिन क्या है आप लेकिन सही चीज में करिए। आप अगर गोल्ड लेते हो तो उसके अंदर कभी झिकझिकबाजी मत कीजिए। हाँ, परसेंटेज में आप करते हो तो आप पैसे ऊपर के छुड़ा सकते हो, जैसे सपोज आपका 55,000 का बैठा भैया 54,000 ले लो, या 54,000 से थोड़े सा और ऊपर नीचे उसमें हो सकता है, परसेंटेज में जो परसेंटेज में कर देगा कॉम्प्रोमाइज, तो समझो कुछ ना कुछ है धांधलेबाजी, कोई भी अपनी जेब से नहीं देगा, क्योंकि सबका मेकिंग चार्ज का भी खर्चा आता है, बनाने का भी आता है, सारे खर्चे होते हैं, तो कोई भी अपनी जेब से नहीं देता। तो प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो शेयर करना, आप लोगों से मेरी हिम्मत बनती है वीडियो बनाने की, तो क्योंकि आप मेरी वीडियो लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, तो प्लीज़ और प्लीज़ ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ताकि कोई भी फेक होने से बचे, मैं इसलिए कहता हूँ बस ये वीडियो आप ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, धन्यवाद।